हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो आज के दिन का आखिरी वीडियो है एंड यूजुअली आपको पता है संडे का आखिरी वीडियो हम लोग रखने की कोशिश करते हैं कि जो दो दिन की छुट्टी देखने को मिल जाती है सैटरडे संडे, इसके बीच में काफ़ी सारी खबरें आती है। प्लस फ्राइडे के दिन भी अगर हम लोग बात करें, हमारा मार्केट 3:30 बजने के बाद क्लोज होने के बाद भी काफ़ी सारे हम लोग को न्यूज़ देखने को मिल जाते हैं। तो इन सभी का जो इम्पैक्ट रहता है कल जब बाजार खुलेगा 9:15 बजे के आसपास, तब हम लोग को काफ़ी सारे स्टॉक्स के ऊपर देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो कौन कौन से स्टॉक आप चाहो तो स्टडी पर्पज़ के लिए अपने रडार के ऊपर रख सकते हो, वो आपके सामने रखना चाहूँगा। कोई रिकमेंडेशन नहीं, बाय करो, सेल करो, होल्ड करो, एवरेज करो करके इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो भाई फ्राइडे के दिन आपको पता है मार्केट हमारा तो क्लोज हो गया, बट दुनिया भर का बाजार काफ़ी परेशान था। पूरे ग्लोबल मार्केट की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो लाल निशान छाया हुआ था। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, हमारा निफ्टी तो है। देन अमेरिकन बाजार आप देख सकते हो 1.5% गिरा था। नैसडैक S&P 500 की बात करें तो ऑलमोस्ट 2% गिरा था। नैसडैक तो 2.5% के करीब गिरा था, ठीक है। बड़े बड़े मार्केट में हम लोग को ज़बरदस्त गिरावटें देखने को मिली थी। यूरोपियन बाजार चकनाचूर हुए थे। जर्मनी की बात करें, फुटसी की बात करें, फ्रांस की बात करें, स्पेन के बाजार की बात करें, इटली की बात करें, स्विट्ज़रलैंड के बाजार की बात करें, पुर्तगाल, बेल्जियम, हर जगह पे हम लोग को लाल निशान। मतलब अमेरिकन बाजार यूजुअली गिरता है ना, पूरे दुनिया भर के बाजार को परेशान कर ही लेता है। इसराइल का भी मार्केट देख सकते हो 2.5% नीचे। सऊदी के भी बाज़ार को आप देख सकते हो, एशियन मार्केट को देख सकते हो। जापान का बाजार ने तो भाई पूरा कोहरम ही यहाँ पे मचा दिया 6% गिर के। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑल ओवर दी अक्रॉस द वर्ल्ड ग्लोब अगर हम लोग बात करें तो एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रहा है। तो क्या कल के दिन हमारे बाजार में भी क्या शुरुआत गिरावट के साथ ही होगी, ये देखना एक इंटरेस्टिंग फैक्टर ज़रूर रहेगा। देन अगर हम लोग बात करें तो क्या कल के दिन की बात करें तो क्या DIS हमें बचाने की कोशिश करेंगे। ये ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि इसके पहले भी फ्राइडे के दिन देखो DIS ने थोड़ा तो कोशिश किया, लगभग 2,965 करोड़ का माल खरीदा, बट FIS की ओर से एंड बाकी लोगों की ओर से सेलिंग मैसिवली देखने को मिल रही थी, तो उतना कुछ खास तो वो कर नहीं पाए। बट चलिए फिर भी जितना हो सके उन्होंने खरीदने की कोशिश की है। देन अगर हम लोग बात करें, अमेरिका में रिसेशन की बातचीत यहाँ पे हो रही है, ठीक है, अभी तक आया नहीं है। बट आप सभी लोगों को पता है, देखिए ये काफ़ी अच्छा सवाल भी पूछा जाता है, उसका भी मैं जवाब देना चाहूँगा। सर ये सडनली रिसेशन की बातें कहाँ से आ गई? देखिए ये सारी चीज़ें सडन ही होती है, ऐसा मतलब बोलते हैं ना, आपको पहले से ही कोई बता के नहीं रखेगा अरे अच्छा अच्छा रिसेशन आने वाला है, अच्छा अच्छा इन्फ्लेशन होने वाला है, अच्छा ग्रोथ आने वाली, नहीं। ये सारी चीज़ें एकदम बोलते हैं ना बॉर्डर के लाइन के ऊपर यहाँ पे होते हैं, और सेंट्रल बैंक का काम ही यही होता है कि इन चीज़ों को मैनेज करो, इन्फ्लेशन को मैनेज करो, ग्रोथ को देखो, लिक्विडिटी को देखो, ठीक है, रिसेशन तो नहीं आ रहा है ना वो देखो, यही चीज़ों को मैनेज करना इनको होता है, यही चीज़ों को बैलेंस करना होता है। अगर ये इन्फ्लेशन को एकदम ही कंट्रोल नहीं कर पाए तो सडनली क्या हो जाएगा, रिसेशन की ओर वो चले जाएंगे। एंड यही फिलहाल तो हम लोग को देखने को मिल रहा है कि फेड ने, हर कोई कह रहा है कि इस वक्त तो उन्होंने रेट कट करना चाहिए था, इतना हायर लेवल पे रेट रखा हुआ है, ठीक है, काफ़ी मुश्किल यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। आने वाले समय में अगर कोई बैंक बिंग अगर डूब भी गया ना अमेरिका में, बीच में हम लोगों ने खबर भी सुनी थी कि ये बैंक डूब गया वो बैंक, अगर वैसा अगर हो भी गया तो भी कोई शॉकिंग न्यूज़ नहीं रहेगी क्योंकि इतने हायर लेवल पे इंटरेस्ट रेट देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, कई देरी नहीं होनी चाहिए। अभी तो लग रहा है सेप्टेम्बर में तो रेट कट तो होना ही चाहिए, वरना तो बैंड ही बच जाएगा। तो ये चीज़ें देखने को नहीं, एंड खास करके इतने लोगों की नौकरियाँ जा चुकी है यहाँ पे, ठीक है, मतलब एक लिमिट होता है भाई, इतना नहीं होना चाहिए कि लोग इतने बेरोजगार हो जाए कि बैंड ही बच जाए करके। एंड फिलहाल अमेरिका में वही जॉबलेस का जो डेटा हम लोग को देखने को मिल चुका है, क्लेम का डेटा, इसने काफ़ी परेशान किया। एंड इस हफ्ते की बात करें दोस्तों तो जॉबलेस क्लेम का डेटा ज़रूर फोकस में रखना, हर हफ्ते वो आता है, ठीक है। तो ये एक हम कह सकते हैं कि फेड के ऊपर, पॉवेल जी के ऊपर ज़बरदस्त पैनिक करने वाली चीज़ यहाँ पे ज़रूर रहेगी, तो इस चीज़ के चलते वो दिक्कत देखने को। एंड अगर अमेरिका में रिसेशन की बातें बोली जा रही है तो आपको पता ही है हमारा IT सेक्टर तो भाई अमेरिका से ही ज़्यादा कमाता है, 50% तो बिज़नेस वहीं से आता है, नहीं तो यूरोप से कमाता है, तो यूरोप के बाज़ार भी अमेरिका से जुड़े हुए हैं, वो भी देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए IT कंपनी हम लोगों ने देखा था कि फ्राइडे के दिन IT इंडेक्स आप चेक कर सकते हो लगभग 2.5% यहाँ पे नीचे था, तो कल के दिन भी IT स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। देन निफ्टी रियल इस्टेट रियल्टी ये भी 3.5% नीचे था। अगर आपको पता है रिसेशन जैसी बातें बोली जाती है तो जो प्रीमियम लग्जरी टाइप के जो चीज़ें देखने को मिल जाती है, महंगी चीज़ें देखने को मिल जाती है, उनके सेल्स गिरने के चांसेस होते हैं। ऑटो भी आप देख सकते हो 3% गिरा था निफ्टी ऑटो, निफ्टी मेटल भी इन्हीं से जुड़ा हुआ सेक्टर है तो वो भी 2.75% गिरा था। आप जितने भी सेक्टर्स है 2.92 ऑटो नीचे गिरा था, कल फोकस में रखना है। IT को तो वैसे भी जैसे आपको पता है फोकस में रखना है। देन उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें और किधर गया निफ्टी रियलिटी, तो ये देखो 3.5% के आसपास यहाँ पे गिरा था। एंड मेटल की भी अगर हम लोग बात करें तो 2.70, तो ये कल के दिन के सबसे मेन सेक्टर रहेंगे जिनको आप फोकस में रख सकते हो। देन दोस्तों बात करें तो कुछ सेक्टर को फ़ायदा भी होता है रिसेशन के चलते, जो कि ये फार्मा
या फिर आप चाहो तो हेल्थ केयर सेक्टर भी बोल सकते हैं। फायदा मतलब ऐसा नहीं कि भाई इनकी ग्रोथ डबल ट्रिपल होने वाली है, नहीं नहीं, जो है वैसा चल रहा है वैसा ही इनका तो बिजनेस यहाँ पे चलता रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ के चलते हम लोगों ने देखा था कि फार्मा में हम लोगों को फ्राइडे के दिन भी हरा निशान एटलीस्ट देखने को मिला था, हेल्थ केयर में हरा निशान देखने को यहाँ पे मिला था, ठीक है। और आखिरी भी हरा निशान जो था मेजर इंडेक्स में वो भी हेल्थ केयर वाला ही था। तो फार्मा हेल्थ केयर भी फोकस में आप यहाँ पे रख सकते हो। अगेन कह रहा हूँ भाई, ये फॉर्मूला नहीं होते हैं कि यहाँ पे मंदी की बात करें मतलब ये स्टॉक खरीदो तो ये पैसा ही बनेगा, इनको बेचो मतलब यहाँ पे नीचे जाएंगे, ऐसी गारंटी वाली बात नहीं थी। आपको बिजनेस समझ में यहाँ पे आना चाहिए। देन बात करेंगे, CDSL ने नंबर दिखाए थे तो इनका रिएक्शन कल दिन देखने को मिलेगा कि कैसे रहे। नंबर तो अच्छे ही देखने को मिले, अनुमान से भी थोड़ा अच्छा ही परफॉर्मेंस ठीक ठाक दिखाया है। SBI के नंबर भी अच्छे देखने को मिल गए, 15,000 करोड़ के रेंज में, 15,000-15,600-700 का एक्सपेक्टेशन था, ठीक है। एक्चुअल में तो उससे अच्छे हम लोगों को नंबर देखने को यहाँ पे मिल गए, ठीक है। 15 या फिर 16 का रेंज था बट 17 दिखा दिया, तो इतना तो था कि एस्टिमेट को तो बीट किया है। तो ये देखने वाली बात होगी कि कल क्या होता है करके। FL के नंबर हम लोगों ने देखे कि 84 का एक्सपेक्टेशन था, 86 दिखा दिया, 87 दिखा दिया, तो थोड़ा बहुत हम कह सकते ओके ओके परफॉर्मेंस दिखाए एस्टिमेशन के हिसाब से। तो ये सारे कंपनियां फोकस में रहेंगी, बट फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही रहेगी कि बाजार का रुख क्या है, क्योंकि अगर बाजार का मूड खराब हो गया तो फिर क्या अच्छे नंबर क्या बुरे नंबर, सभी की पिटाई होती है, ठीक है। आगे बढ़ लेंगे तो HAL का स्टॉक फोकस में रहेगा। HAL में गिरावट आप सभी लोगों को पता ही है कि वो इंजन से रिलेटेड काफ़ी डिले होते हुए देखने को मिला है। इस चीज़ के चलते HAL का भी हाथ बंधे हुए हैं भाई, ठीक है। वो बॉडी तो बना लेंगे, अंदर का जो इंजन है उसका सप्लाई अगर डिले हो जाएगा तो फिर वो डिलीवरी कैसे दे पाएंगे। एंड इसीलिए अभी वो क्या कर रहे हैं दोस्तों कि अपना जो बैकअप प्लान है कि जो उनके जो यूज्ड इंजन देखने को यहाँ पे मिल रही थी, यूज्ड इंजन उनको वो यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके चलते वो डिलीवरी देना उन्होंने स्टार्ट यहाँ पे किया है। तो डेफिनेटली इस चीज़ के चलते HAL के सेल्स को फटका यहाँ पे लग सकता है, एंड इसी चीज़ के चलते HAL के शेयर हम लोग को नीचे जाते हुए देखने को भी यहाँ पे मिल रहा है। एंड मार्केट तो वैसे भी प्रेशर का पोजीशन यहाँ पे बना के बैठा हुआ है। Zomato की बात करेंगे, इनकी दुनिया अलग चल रही है बिकॉज इनके नंबर काफ़ी अच्छे देखने को मिल चुके हैं। खास करके Blinkit ने जो परफॉर्मेंस दिखा है एकदम कमाल का परफॉर्मेंस, ब्रेक इवन ऑलमोस्ट देखने को मिल चुका है। 3 करोड़ का ही केवल लॉस है, जो एक ज़माने में 100-100 करोड़ का लॉस हुआ करता था। टारगेट भी बढ़ा दिए ब्रोकर्स ने, कोई कह रहा है 300 के ऊपर जाएगा, बट याद रखना जो बिगनर्स होते हैं भाई, एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। उनको लगता है भाई जो ये टारगेट बिरगेट बोले जाते हैं ये गारंटी है करके, ठीक है। ये जो अलग अलग ब्रोकरेजेस इंडस्ट्री बता दें ना कि 300 जाएगा 310 जाएगा, तो उनको लगता है कि ऐसा होगा ही करके, तो पैसा डाल देते हैं, उनको लगता है कि पहुंच जाएगा करके। अरे बाबा ऐसा नहीं होता है, ठीक है। शेयर बाजार है, कल क्या है वो अपना टारगेट 300 का कट करके 100 भी बोल सकते हैं, ठीक है, और रीज़न भी दे सकते हैं। तो इन चीज़ों को समझना, इतना सिंपल मार्केट होता तो फिर हर कोई पैसा कमा लेता। अगर Zomato बढ़ता है तो आपको पता है InfoEdge जो कि इसमें 13-14% का स्टेक लेकर बैठा है, तो इनको भी थोड़ा बहुत सपोर्ट यहाँ पे हो ही जाता है। तो इन स्टॉक्स को आप अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। न्यूलैंड लेबोरेटरीज की बात करेंगे तो इसके भी नंबर अफलातून थे, इसीलिए ये जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया था फ्राइडे के दिन, तो क्या ये तेजी टिकेगी, तो एक देखने वाली बात होगी। देन अगर हम लोग बात करेंगे भारत सरकार, यस दोस्तों, भारत सरकार एक अलग से कानून लेकर यहाँ पे आते हुए देखने को मिलने वाला है, ठीक है। एक नया कानून हम लोग को, न्यू गवर्नमेंट लॉ हम लोगों को यहाँ पे इंट्रोड्यूस होते हुए देखने को मिलने वाले, किस चीज़ के चलते, सरोगेट एडवर्टीजमेंट के चलते। यस दोस्तों, सरोगेट एडवर्टीजमेंट अभी यहाँ पे वो बैन करने का विचार यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। एंड इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हैं, एज पर द लॉ मैन्युफैक्चरर एंड एंडोर्सर ऑफ अ सरोगेट एडवर्टीजमेंट, जो भी इससे रिलेटेड जुड़ा हुआ है उसके ऊपर लगभग 50 लाख की पेनाल्टी यहाँ पे लगाई जा सकती है। ये रिपोर्ट के जरिए राउटर्स ने रिपोर्ट यहाँ पे किया, एंड प्रमोटर के ऊपर भी यहाँ पे कार्रवाई की जा सकती है। समवेयर अराउंड 3 साल का बैन उनके ऊपर लगाया जा सकता है अगर वो सरोगेट एडवर्टीजमेंट के चलते अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो आप ये कहोगे कि भाई आप जो ये बात बोल रहे हो सरोगेट एडवर्टीजमेंट, ये क्या होता है? तो बहुत ही सिंपल सा गणित है दोस्तों कि कुछ एडवर्टीजमेंट करना, कुछ चीज़ों का एडवर्टीजमेंट करना हमारे देश में इलीगल है, अलाउड यहाँ पे नहीं है, ठीक है। जैसे कि लिकर्स की बात करें, लिकर के एडवर्टीजमेंट आप नहीं कर सकते। टबैको की बात कर ले, या फिर अगर हम लोग यहाँ पे पान मसाले तंबाकू वाली जो चीज़ें होते हैं इनका एडवर्टीजमेंट करना अलाउड यहाँ पे नहीं होता है। बट फिर भी देखोगे दोस्तों इससे जुड़ी हुई कुछ कंपनियां हैं, जैसे कि इंपीरियल ब्लू आप सभी लोगों को पता ही है, किंग फिशर भी है, रजनीगंधा भी है, बट ये क्या करते हैं, ये जो एडवर्टीजमेंट करते हैं वो इन लिकर या फिर पान मसाला मतलब टबैको के एडवर्टीजमेंट नहीं करते। अभी रजनीगंधा आपको पता ही है वो यहाँ पे अलग चीज़ का एडवर्टीजमेंट यहाँ पे करता है, ठीक है। या फिर जो हम लोग बोलते हैं ना वो जुबा केसरी रहता है, वो इलायची का एडवर्टीजमेंट होता है। एक्चुअल में आप उस पैकेट को देखोगे तो उसके ऊपर इलायची लिखा हुआ होता है, ठीक है। देन अगर हम इंपीरियल ब्लू की बात करें तो ये सीढ़ी वाली एडवर्टीजमेंट करते हैं, बट इनके हम लोग को लिकर के ब्रांड्स देखने को मिल जाते हैं। किंग फिशर भी आपको पता ही है सोडा वाला काफ़ी सारे एडवर्टीजमेंट करते हैं, बट ये भी लिकर का यहाँ पे मतलब ये सरोगेट एडवर्टीजमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसी को बैन करने का वो विचार यहाँ पे कर रहे हैं, एंड इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हैं बैड न्यूज़ किसके लिए, लिकर ब्रांड के लिए। सबसे ज़्यादा ये सरोगेट एडवर्टीजमेंट हम लोग को लिकर
से रिलेटेड ही देखने को मिल जाती है, जो कि अभी इंडिया में बैन करने का पूरी तरीके से विचार यहाँ पे किया जा रहा है। सो इस चीज़ के चलते जो लिकर स्टॉक है, अब जरूर इनको क्या कर सकते हो, अपने रडार के ऊपर सेट करके रख सकते हो, क्योंकि यही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सरोगेट एडवर्टीजमेंट में हम लोग को देखने को मिलते थे। नेक्स्ट बात करेंगे इंटेल का स्टॉक, जो कि भूकंप के साथ यहाँ पे ज़बरदस्त 27% के आसपास गिरा है, तो कल कैसे परफॉर्मेंस देगा ये एक देखने वाली बात रहेगी। टाटा मोटर रडार के ऊपर यहाँ पे रहेगा, फ्राइडे के दिन गिरावट देखने को मिली थी, तो कल कैसा परफॉर्मेंस देगा इसलिए ये रडार पे रह सकता है। आगे बढ़ लेते हैं अदानी विलमार, यहाँ पे आप सभी लोगों को पता ही है अदानी एंटरप्राइज का जो FMCG का बिजनेस है डीमर्ज होके विलमार में ऐड होने वाला है, तो वैल्यूशन यहाँ पे बढ़ेगा, तो इसी चीज़ के चलते अनुमान था कि ये भागेगा करके और 10% का सर्किट लगाया था, तो कल कैसे परफॉर्मेंस देगा वो देखने वाली बात है। अमर राजा एनर्जी की बात करें, इनके नंबर देखने को मिले, 25% का पैड बढ़ते हुए देखने को मिला है, 250 करोड़ के आसपास, ये एक फोकस में रहने वाला स्टॉक है, सिस्को आप फोकस में रख सकते हो, बड़े इन्वेस्टर ने यहाँ पे पैसा लगाया करके, आप सभी लोगों को पता है अबू धाबी ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ने पैसा लगाया है, 361 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे पैसा लगाया है। देन RVNL, IRFC, रेलवे स्टॉक्स, डिफेंस स्टॉक्स, इरेडा, ये भी बाय डिफॉल्ट हमारे रडार पे रहते ही है, क्योंकि कोई ना कोई खबरें यहाँ पे आती रहती है। देन कल के दिन की बात करें, बहुत सारे कंपनी के नंबर देखने को आप मिलेंगे, दीपक नाइट्रेट कल 5 तारीख है ना, यस, तो आप देख सकते हैं दीपक नाइट्रेट के नंबर देखने को मिलेंगे, क्यूपिड के नंबर देखने को मिलेंगे, देवयानी इंटरनेशनल के नंबर, ऐसे तो बहुत सारे कंपनी के नंबर कल हम लोग को देखने को आप मिलने वाले, तो ज़रूर आप इन स्टॉक्स को अपने रडार के ऊपर रख सकते हैं। मैरिको के नंबर देखने को मिलेंगे, एक एवरेज ही नंबर इनके यूजुअली रहते हैं, एम सुमी के नंबर यहाँ पे सामने यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, जो मदर्स एंड सुमी से रिलेटेड अलग हो चुका था। देन ONGC के नंबर हम लोग को देखने को मिल जाएंगे, पारस के नंबर देखने को मिल जाएंगे, बहुत लंबी लिस्ट है भाई ये, तो अभी आपको पता है एक एक दिन में कितने सारे कंपनी के नंबर यहाँ पे रिलीज होते रहते हैं, V-Mart के भी नंबर देखने को यहाँ पे मिलने वाले। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए हैं, वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।